तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो बनाएंगे उसका नाम है इमेज स्लाइडर। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह का स्लाइडर होगा। तो ये कुछ इस तरीके का स्लाइडर होगा और हर इमेज का एक अपना एक अलग कैप्शन होगा। अब यहां पे आप लेफ्ट राइट करोगे तो वो चेंज होगा इमेजेस, ये देखो। ठीक है, तो यही अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। देखो एक HTML पेज है, तो अभी ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब मिड रेंज का काम हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, CSS और JS दोनों अलग अलग बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक style.css बना लेता हूँ और एक और script.js बना लेता हूँ, script.js। ठीक है, तो एक स्क्रिप्ट के लिए फाइल बना लिया जावास्क्रिप्ट के लिए, एक CSS के लिए फाइल बना लिया, एक HTML के लिए फाइल बना लिया। तो अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक HTML मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब मैं ये जो फाइल मैनेजर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हटा देता हूँ ताकि व्यू बड़ा हो जाए, और व्यू में जाके टॉगल वर्ड रैप कर देते हैं ताकि एक ही साथ दिखे, कुछ भी स्क्रॉल ना करना पड़े एंगल। और यहाँ पे लिख देते हैं इमेज स्लाइडर। तो इमेज स्लाइडर लिख दिया हमने। अब हमारा काम क्या है कि यहाँ पे हमें एक कंटेनर बनाना पड़ेगा जो पूरे के पूरे स्लाइडर को अपने पास रखेगा। ठीक है, तो क्लास बनाते हैं हम लोग और इसका नाम रख देते हैं स्लाइड कंटेनर। ठीक है, बन गया हमारे पास एक डिव। अब इसी के अंदर हमारा पूरा का पूरा स्लाइडर रहेगा। अब हम लोग एक स्लाइड बनाते हैं। ठीक है, तो एक स्लाइड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिव लेंगे और उसमें एक क्लास लगाएंगे स्लाइड। अब इसके अंदर दो चीजें लेनी है हमें, एक तो इमेज, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होगा वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। हर एक इमेज के लिए अपना अपना टेक्स्ट होगा वो, तो उसको हम लोग एक डिव में डाल देते हैं और उसका क्लास लगा देते हैं कैप्शन। ठीक है, बन गया। अब इसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख लो, यहीं पे टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि कैप्शन टेक्स्ट 1। ठीक है, और यहाँ पे हमें इमेज देना है। तो इमेज हम मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो उसको मैं इसी फोल्डर में ला के रख लेता हूँ। एक इमेज नाम का फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग, IMG नाम का, और इस फोल्डर में हम लोग सारा का सारा इमेज रखेंगे। ठीक है, तो मैंने इस इमेज वाले फोल्डर में 4 इमेज कॉपी कर दिया है पहले से ही। ठीक है, मैंने डाउनलोड किया था तो अभी रख दिया है, वो यही सारे इमेजेस हैं, देख लो आप। यहीं पे क्लिक करूंगा मैं, आपको यहीं पे प्रीव्यू मिल जाएगा। सारे इमेजेस एक ही साइज के लिए हैं ताकि साइज में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, क्योंकि स्लाइडर में सारा इमेज एक जैसा ही होता है। तो अब इन्हें इन्हीं सारे इमेजेस को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके एक एक इमेज यूज करते हैं, 1.jpg। अब देखो ये जो हमारा, देखो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारा एक डिव है ना, ये एक एक स्लाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हर एक स्लाइड में अपना इमेज होगा और अपना टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा ही हमारे पास 4 इमेज है, तो सेम हमारे पास 4 डिव ऐसा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 4 कर दिया। सबका इमेज नेम चेंज कर देते हैं और कैप्शन का थोड़ा टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि अलग अलग इमेज का अलग अलग कैप्शन है। तो ये हो गया इमेज 3 और यहाँ पे हो जाएगा कैप्शन टेक्स्ट 3। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा हमारे पास 3 या 4, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 इमेजेस बन गए। अब देखो, अब अगर जरा आउटपुट देखने के लिए हम लोग गो लाइव करते हैं, तो हमारे पास ये रहा आउटपुट, 4 इमेजेस आ गया और हर इमेज के नीचे उसका कैप्शन टेक्स्ट आ गया। आ गया। अब हमें क्या करना है कि HTML में 2 एरो बनाना है, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग HTML का यूनिकोड यूज करेंगे वो बनाने के लिए। तो उसके लिए 2 स्पैन लेते हैं हम लोग, 2 स्पैन लिया। ठीक है, एक स्पैन में लेफ्ट रखेंगे, एक स्पैन में राइट रखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं कि देखो, हमारे पास HTML का यूनिकोड होता है जिसके थ्रू आइकन जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा लेफ्ट का और ये रहा आपका राइट का। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब देखो, अब अगर आउटपुट में जाके आप देखोगे तो हमारे पास लेफ्ट राइट का 2 आइकन बन के आ चुका है। आ गया। तो ये कोड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इसको याद रखने का जरूरत तो होता नहीं है। जब भी आप बहुत सारे आइकन्स होते हैं HTML में दिए हुए, आप उनका कोड यूज करो, वो आइकन बन के आ जाता है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास लगाते हैं, क्लास, और यहां पे दे देते हैं एरो नाम से, और एक और क्लास यूज करते हैं BREV स्टाइलिंग के लिए, इसको यूज कर लेंगे। आप आईडी भी दे सकते थे, मैंने क्लास लिख दिया था तो क्लास में ही 2 क्लास लगा दिए, और सेम इसमें भी लगाएंगे, बस इसका ये वाला क्लास नेक्स्ट कर देंगे।
ठीक है, कर दिया। अब हमारा क्या है कि और सारा का सारा जो जितना भी इसका काम था HTML का वो हो चुका है, ठीक है, हमारा बन चुका है। एक स्लाइड कंटेनर है, उसके अंदर स्लाइड्स है और दो एरो। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, ये स्टाइल और स्क्रिप्ट दोनों को ऐड करना इस HTML में। तो पहले स्क्रिप्ट नीचे है तो स्क्रिप्ट ही ऐड कर देते हैं सबसे पहले। तो स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए हमें यहां पे देना पड़ेगा SRC। SRC में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट डॉट JS, ठीक है। तो हमारा स्क्रिप्ट ऐड हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग ऊपर जाके स्टाइल ऐड करेंगे यहाँ पर टाइटल के नीचे। तो स्टाइल ऐड करने के लिए हमें देना पड़ेगा लिंक टैग, और यहाँ पे HREF में हम लोग दे देते हैं स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। तो हमारा स्टाइल और स्क्रिप्ट दोनों ऐड हो चुका है HTML में। अब हम लोग क्या करेंगे कि CSS लगाएंगे यहाँ पे, ताकि अब इसको जैसे देखो ये एक दूसरे के नीचे नीचे आ रहा है, तो इसको ऐसा नहीं करना है हमें, हमें इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो स्टाइल करने के लिए देखो, अच्छा एक चीज और गौर करो, हमने सारा इमेज वगैरह बना तो दिया है, पर एक ही इमेज एक बार में दिखेगा ना, बाकी तो हाइड रहेगा। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, स्टाइलिंग में हेल्प लेने के लिए ये तीन इमेजेस जो तीन स्लाइडर है इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया कमेंट। अब मुझे सिर्फ एक इमेज दिख रहा है, राइट, यहाँ देखो सिर्फ एक इमेज दिख रहा है। तो हमारा जो ओरिजिनल व्यू होगा वो भी ऐसे ही होगा। तो अब पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं, फिर बाकी इमेजेस को ओपन करेंगे और जो भी करना है करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने स्टाइल करने के लिए सिर्फ एक इमेज को रहने दिया, बाकी को कमेंट कर दिया। अब हम लोग आते हैं अपने स्टाइल डॉट CSS में और यहाँ पे स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बॉडी का मार्जिन 0 कर देता हूं मैं, ताकि कोई गैप ना रहे, मार्जिन 0, ठीक है। अब हमारा जो मेन कंटेनर है ये स्लाइड कंटेनर, इसको स्टाइल करना, तो इसको करते हैं हम लोग डॉट से क्योंकि क्लास है। अब इसको हम लोग पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं। पोजीशन रिलेटिव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर के सारे एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट तभी काम करता है जब उसका जो पेरेंट है वो पोजीशन रिलेटिव हो। ये सब मैंने CSS में बता दिया, तो अब ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे विथ 100%, डाल दिया। अब इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया हुआ, देखो सेम उसी तरीके से है। बस ये जो बॉडी से हमने गैप हटाया, तो इसके चार जो ऊपर नीचे देख रहे हो सारा गैप हट चुका है। नीचे तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर लेफ्ट राइट ये हट चुका है, ठीक है। ये बॉडी से हुआ था, स्लाइड कंटेनर वाले रिलेटिव से कुछ नहीं हुआ। अब यहां से काम स्टार्ट होगा स्लाइड कंटेनर वाला। तो देखो हमारे पास ये वाला जो डिव है इसका नाम क्या है, स्लाइड, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं क्लास को, और इसके अंदर के इमेजेस को हम लोग अभी स्टाइल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग फोकस कर देते हैं स्टाइल और IMG। अब यहाँ पे हम लोग विद 100% कर देते हैं। इससे क्या होगा कि इमेजेस जो है वो स्क्रॉल नहीं होगा, वो 100% पे आ चुका। पहले ये स्क्रॉलेबल हो रहा था क्योंकि इमेज का साइज थोड़ा बड़ा था मेरा। अब हम लोग जो स्टाइल करेंगे वो करेंगे इस एरो को, ये जो दोनों एरो है इसको करेंगे। तो इस पे हमने कौन सा क्लास लगाया था, इस पे हमने जो क्लास लगाया था उसका नाम है एरो, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, डॉट लगाते हैं और एरो को अब स्टाइल करेंगे। तो पहला काम ये है कि हम लोग जब इस पे होवर करें तो पॉइंटर बन जाए, पता चले कि क्लिक करने वाला चीज है। तो क्रसर पॉइंटर, राइट, ठीक है, ये कर दिया। अब इसको भी पोजिशन एब्सोल्यूट करते हैं, पोजिशन एब्सोल्यूट। अब देखो क्या आया होगा, अब वो पोजीशन एब्सोल्यूट करते ही वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो गया, हो गया। अब हमें इसको क्या करते हैं, टॉप 45% पे ले जाते हैं। 50% पे थोड़ा नीचे आ जाता है, इस वजह से मैं 45 ले रहा हूँ। अब ये करते ही ये क्या होगा कि इमेज के ऊपर आ गया होगा। ये देखो यहाँ पर ब्लैक सा छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। अभी वो ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा जब उसका कलर वगैरह हम लोग चेंज करेंगे। तो चलो कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, कलर को ब्लैक ही रहने देते हैं, ब्लैक, और इसका जो बैकग्राउंड है उसको व्हाइट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर व्हाइट। बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर दिया, व्हाइट में भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप कर देते हैं लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला की वो भी यूज कर देते हैं RGB, और थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग देंगे तभी उसके बीच में गैप आए, मतलब थोड़ा स्पेस आएगा। तो पैडिंग दे देते हैं 8 पिक्सल, और इधर कर देते हैं 19 या 20 पिक्सल कर दो, 20 पिक्सल। अब देखो कैसा है, ये देखो ऐसा आ गया लेफ्ट राइट का स्क्वायर।
अब ये स्क्वायर रखना चाहते हो स्क्वायर रखो आप, और अगर आप सर्कल करना चाहते हो तो सर्कल कर सकते हो। तो मान लो मुझे सर्कल ही करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लेंगे, बॉर्डर रेडियस 50%। अब देखो वेब ज्यादा हो गए, इसको 18 रहने दो। अब देखो अब ये थोड़ा सर्कल लग रहा है, राइट। अब इसके अंदर का जो हमारा फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट करेंगे चेंज, तो हमारा जो अंदर का एरो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वो करते हैं हम लोग, फॉन्ट साइज कर देते हैं 25 पिक्सल, और फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड। अब देखो जरा ये एरो बड़ा हो गया, ठीक है। अब लेकिन ये एक ही साइड है, तो हमें राइट, देखो लेफ्ट वाला अपने साइड पे ठीक है, अब लेकिन इसको अब हमें लेके कहाँ आना है, एक को यहाँ पे लेके आना है राइट वाले को, ठीक है, जो नेक्स्ट वाला है एलिमेंट उसको। तो नेक्स्ट एलिमेंट पे हमने क्या लगाया था, नेक्स्ट नाम का एक क्लास लगाया था, इसको टारगेट करके इसको नेक्स्ट को ही रख कर देते। लेफ्ट तो अपने जगह पे ठीक है ही, तो नेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे राइट कर देंगे। तो बस हमें आपको लिखना है राइट 0 पिक्सल। अब देखो क्या होगा, अब ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, बट मुझे लगता है कि दोनों के बीच में गैप देना चाहिए थोड़ा सा, तो आप इसको लेफ्ट राइट 10 ना कर 10 कर दो, ठीक है, 0 ना करके। और सेम ये जो प्रीवियस वाला था उसको भी थोड़ा सा गैप दे दो, प्रीवियस वाले में लेफ्ट 10 पिक्सल कर दो, लेफ्ट 10 पिक्सल। अब ये बॉर्डर से थोड़ा सा गैप गैप आ रहा है, और मेरे ख्याल से ये 18 को 19 कर ही दो, थोड़ा सर्कल ज्यादा बेटर बनेगा। हाँ अब ठीक है, तो हमारा एरो बन चुका है, सारा हो चुका है। अब ये जो कैप्शन टेक्स्ट नीचे है उसको हमें ऊपर लाना है इमेज पे, तो इसको जरा स्टाइलिंग करते हैं। तो कैप्शन टेक्स्ट में भी हमने कुछ क्लास दिया था, ये रहा कैप्शन, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इस क्लास को अब स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम करते हैं कलर व्हाइट कर देते हैं, इमेज के ऊपर आएगा तो ज्यादा हाईलाइट रहेगा। फॉन्ट साइज हम लोग 30 पिक्सल बड़ा करते हैं इसको थोड़ा, फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड। और अब इसको पोजीशन को एब्सोल्यूट करते हैं इसमें भी, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, और पोजीशन को बॉटम 0 पिक्सल कर देते हैं। अब देखो फिलहाल कैसा आ रहा होगा, ये देखो ये ऊपर आ चुका है, कैप्शन टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। इसको थोड़ा सा और स्टाइल करना बचा है हमें, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले विथ लेंगे, विथ 100%, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट किया तो वो अब 100% ले नहीं रहा बाई डिफॉल्ट, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखो वो सेंटर में आ चुका होगा, ये रहा सेंटर में आ गया। बट इसमें अब हम लोग क्या करते हैं कि बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंट RGBA से दिया जाता है, मैं लेकिन इस एडिटर का यही खासियत है, आप यहीं पे आप चाहो तो जनरेट कर सकते हो ट्रांसपेरेंट। देखो मैंने इस स्क्रॉलर को हटाया, नीचे किया, ये अब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बन चुका है। अब ये देखो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, मैं इसको और ज्यादा करूंगा तो यहाँ पे 6 कर दू। अब देखो हाँ अब थोड़ा बेटर ट्रांसपेरेंट जैसा लग रहा है। एक काम करो ना, इसको 5 ही कर दो, 0.5, अब थोड़ा और बेटर लगेगा। ये देखो थोड़ा ट्रांसपेरेंट पे व्हाइट आ रहा है, और हमारा इमेज भी पूरी तरीके से कवर नहीं हो रहा, वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग चाहिए, तो पैडिंग हम लोग देते हैं 15 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है। अब देखो ये रहा, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। अब हमारा स्लाइडर का जो HTML और CSS का काम खत्म, अब यहां से स्टार्ट होता है JS का काम। तो JS, अब देखो अब JS में काम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बाय डिफॉल्ट, जैसे देखो अभी हमने क्या किया हुआ, कमेंट किया हुआ है, ये जो यहां पे देखोगे तो 3 इमेजेस को और कमेंट कर दिया है, इसको ओपन कर देते, ठीक है, इसको ओपन कर दिया। अब देखो ये कैसा दिखेगा, अब हमारे पास ऐसे आ गया, आ गया स्लाइडर यहां पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि इन सबको हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए हमें स्टाइल का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो इसमें जो स्लाइड नाम से यहाँ पे है जो क्लास बनाया है, इसको यूज करके हमें इसे डिस्प्ले नन करा देना है, क्योंकि ये सब जावास्क्रिप्ट से होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले नन, ठीक है, डिस्प्ले नन करा दिया। अब ये क्या है, गायब, सारा इमेज गायब, बस हमारे पास 2 एरो है, ठीक है। अब ये सारा जो विजिबिलिटी है ये स्क्रिप्ट करेगा अपना काम,
ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं जरा स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे आया। अब यहां पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, और इसका नाम रखेंगे स्लाइड शो। स्लाइड शो बना दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस HTML में हमने क्या किया है, देखो एक एक स्लाइड को ये div रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्लाइड को ये div, ये एक स्लाइड को ये div, एक स्लाइड को ये, और सब में कॉमन क्लास है स्लाइड। तो हम लोग ये सारा जितने भी स्लाइड्स होंगे उन सब को सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं स्लाइड्स, ठीक है, और इक्वल टू लगाते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम से कर रहे हैं। और हमारे पास क्लास का नाम क्या था, स्लाइड था, स्लाइड कर लिया। अब इसको जरा कंसोल डॉट लॉग करा लो। अब अगर आपको याद ना हो जो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि हो सकता है याद ना रहे आपको। तो मैंने अब कंसोल डॉट लॉग कराया, कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, एक सेकेंड, इसमें क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुआ, कंसोल डॉट लॉग स्लाइड्स, ओके मैं समझ गया, हमने फंक्शन बनाया बट कॉल तो कराया नहीं, तो इसको जरा ऊपर कॉल करा लेते हैं हम लोग, स्लाइड शो, ये लो अब फंक्शन कॉल हो चुका है। अब फंक्शन कॉल हुआ है तभी होगा, मेरे से सिली मिस्टेक हो गया था। अब देखो, अब इसने क्या किया कि चार जो डिव था, अगर आप ओपन करोगे तो चारों इसने सेलेक्ट करके रख लिया है, यहां देखो, ठीक है, सारा का सारा डिव इसने सेलेक्ट करके रख लिया है। मैंने इसको ओपन कर दिया इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसको फिर से क्लोज करता हूं। तो देखो, जो चार हमारा स्लाइड था वो चारों को कॉपी कर लिया, और उनका नंबरिंग एरे स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से होता है। तो नंबर सबको क्या मिला है, 0 1 2 3, ठीक है, तो इस एरे में 0 1 2 3 मिल गया एरे। अब हमारा काम क्या है कि एक एक करके विजिबल करना। तो अब देखो वो कैसे होगा। तो पहले जब वेबसाइट लोड हुआ तो हमें एक इमेज, जो सबसे पहला इमेज था, उसको तो विजुअल बनाना ही है, तो अब उसको बनाते हैं पहले विजुअल। पहले तो ये कंसोल डॉट लॉग हटा देते हैं और उसको बनाते हैं। तो हमें जो बनाना है वो कौन सा होगा, जीरो नंबर वाला इमेज। आपने अभी नंबरिंग दिखाया था मैंने, 0 1 2 3 मिला एरे से, तो जीरो नंबर वाला जो इमेज है उसको विजुअल बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में एक फ्लैग बनाते हैं। फ्लैग मतलब वैसा चीज जो इंडिकेट करेगा कि अभी कौन सा स्लाइडर चल रहा है। तो उसका जो स्टार्टिंग का नंबर रखते हैं वो जीरो रखते हैं, ताकि एरे से मैच हो, ठीक है। और इसी फ्लैग को हम लोग इसमें पास कर देते हैं, इस फंक्शन में पास कर दिया। यहाँ पे रिसीव करने के लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, तो रिसीव हम लोग उसको करते हैं नम नाम का एक वेरिएबल में, ठीक है, रिसीव कर लिया। अब हमें जो पहला था, जो जीरोथ नंबर ऑफ इमेज था, उसको विजिबल करना है, ठीक है। तो उसको विजिबल कैसे करेंगे, हमारे पास एरे है इसमें, तो हम लोग यहाँ पे स्लाइड्स लेते हैं, एरे को एक्सेस करते हैं। एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, यहाँ पे नम डाल देते हैं और डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू, अब यहां पे जो नन था जो हमने सीएसएस में किया था इसको ब्लॉक कर देते हैं। अब देखो भाई हमने क्या किया, सिंपल सा काम, फ्लैग को जीरो कर दिया क्योंकि पहला जो इमेज था उसका एरे में वैल्यू क्या है, जीरो है। उसी जीरो को हमने फ्लैग के थ्रू यहां पास किया, उसको रिसीव नम में किया, और यहां पे हमने सारा का सारा स्लाइड को सिलेक्ट किया हुआ था। अब उस स्लाइड में जो हमने जीरो नंबर वाला पास किया कि जीरो नंबर वाले इमेज को ब्लॉक करा दो, डिस्प्ले ब्लॉक करा दो, मतलब कि विजिबल कर दो। अब देखो हमारा जो पहला इमेज था वो विजिबल हो चुका है, हो गया, और टेक्स्ट भी उसी के साथ विजिबल हो गया। जो पहला डिव था वो पूरा विजिबल हुआ, तो टेक्स्ट और इमेज दोनों हो गया। तो हमारे पास पहला इमेज विजिबल हो चुका है। अब हमारा काम क्या आता है कि इस एरो बटन पे जब कोई क्लिक करे इन दोनों पे, तो हमारा दूसरा तीसरा आए। अब यहां से स्टार्ट होता है थोड़ा सा लॉजिकल काम। तो यहां पे जो हम लोग लॉजिक यूज करेंगे वो देखो क्या है, हमने अभी क्या बनाया कि इस नंबर में, ये वेरिएबल में जो भी नंबर पास होगा उतने नंबर वाला इमेज को क्या किया जाएगा, विजिबल कर दिया जाएगा। तो अभी पास हुआ है जीरो, तो जीरो को कर दिया। अब आप यहां पे देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि इस पे क्लिक करने पे जो अभी करेंट इमेज का नंबर है उसमें +1 करा के भेज देते हैं, और इस पे क्लिक करने पे जो अभी करेंट नंबर ऑफ इमेज है उसमें -1 करके भेज देते हैं। तो अगर हम लोग सोचो,
अगर हमारे पास यहाँ पे फ्लैग में दूसरा वाला इमेज है, दूसरे नंबर का इमेज है, जब लेफ्ट वाला हम लोग एरो क्लिक करेंगे तो -1 करके भेजेंगे। -1 करके भेजने से क्या होगा, इस नंबर में मान लो यहाँ पे देखो अभी 0 है, अभी आप 2 से समझो, यहाँ पे फ्लैग में क्या है कि 2 है राइट, और हमें अब नेक्स्ट इमेज पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 2+1 करके इसमें पास कर देंगे फ्लैग में। तो 2+1 करके पास करेंगे तो यहाँ पे तीसरा नंबर वाला इमेज विजुअल हो जाएगा, और अगर हमें लेफ्ट वाले पे क्लिक करना है तो 2-1 करके भेजेंगे तो 1 नंबर वाला इमेज विजिबल हो जाएगा, हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे 0 रहने देते हैं, 0 रहने दिया, या 0 मत करो यहाँ पे 2 ही करो, ठीक है। मैंने 2 कर दिया, सेव कर दिया। आप देखो यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे कैप्शन टेक्स्ट 3 आ रहा है। टेक्स्ट 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि दूसरा नंबर वाला 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 0 से स्टार्ट हुआ है तो 2 का मतलब वहां पे 3 है, ठीक है। एक इंक्रीज करके आएगा, हमारे पास इमेज 4 था जिसमें 1 2 3 4 था, तो अभी 2 हमने डिनोट किया तो 3 को डिनोट कर रहा है क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, और जो लास्ट वाला इमेज है वो हमारा 3 से डिनोट हो रहा है। अब देखो अब नेक्स्ट और प्रीवियस का लॉजिक बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं, पहले फंक्शन, और इसका नाम रख देते हैं कंट्रोलर। और यहां पे भी एक वेरिएबल पास कर देते हैं एक्स, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे देखो, अभी यहां पे नहीं, पहले इसी कंट्रोलर को हम लोग कॉल करवाते हैं। कॉल किस पे करवाएंगे, यहां जाते हैं और जो हमारा एरो था इसी में ऑन क्लिक इवेंट पे, ऑन क्लिक कॉल कर दो, और सेम यही वाला काम हम लोग ऑन क्लिक यहां पे भी करा देते हैं, करवा दिया। अब एक जगह पे हम लोग जो एक्स है इसके जगह पे हम लोग प्रीवियस करने के लिए क्या करेंगे, -1 पास करेंगे, और इसमें करने के लिए, नेक्स्ट करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल 1 पास करेंगे, या +1 आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक में हमने -1 पास किया, एक में +1 पास किया, और इस फंक्शन में। तो अब हमारे पास यहां पे देखो एक्स में क्या रिसीव हो रहा है, जब कोई लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक कर रहा है तो एक्स में क्या रिसीव हो रहा है, -1, और जब कोई राइट वाले पे क्लिक कर रहा है तो लेफ्ट एक्स में क्या रिसीव हो रहा है, 1, ठीक है। तो अब यहां पे गौर करो, अब हमें क्या करना है, इस फ्लैग में से जो भी क्लिक हुआ है तो उस फ्लैग में से एक एक्स को ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं, फ्लैग इक्वल टू फ्लैग प्लस एक्स। अब इसमें क्या हो रहा है लॉजिक, ये मैं यहां पे अभी आपको दिखा देता हूं। सपोज करो किसी ने लेफ्ट बटन क्लिक किया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, टू नहीं, यहां पे होगा फ्लैग इक्वल टू, फ्लैग का वैल्यू क्या है, 2, लेफ्ट में, और यहां पे प्लस हुआ, और लेफ्ट में हमने क्या दिया है, -1। यहां पे देखो लेफ्ट में हमने क्या पास किया, -1, तो एक्स के जगह पे क्या आएगा, -1। अब आप लोग ये एडिशन जानते हो कि 2+-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मतलब वो पहले वाला इमेज दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और वही अगर आप राइट क्लिक करते हो, तो जब हम लोग राइट क्लिक करते हैं यहां पे तो क्या पास हो रहा है, पास हो रहा है 1, एक्स में क्या पास हो रहा है, 1। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे फ्लैग हो जाएगा, फ्लैग इक्वल टू, पहले से फ्लैग में क्या था, 2 था, और उसमें प्लस आप क्या करोगे, 1 कर दोगे, तो अब वो क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहां पे देखो, देखो प्रोग्रामिंग में मेन चीज लॉजिक होता है, तो लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप गौर करो, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूं, हमारे पास इमेजेस कितने हैं, इमेजेस हैं हमारे पास 4, ठीक है। उनको नंबरिंग क्या मिला हुआ है, उनको नंबरिंग मिला हुआ है, देखो क्या क्या मिला हुआ है, 0 मिला हुआ है, 1 मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है, ठीक है। तो ये चारों इमेज हो गया हमारे पास। अभी फ्लैग में कौन सा है, फ्लैग वो बता रहा है कि कौन सा अभी विजिबल है, तो ये वाला इमेज विजिबल है, ठीक है, तीसरा इमेज, सेकेंड नंबर उसको दिया गया बट है वो तीसरा इमेज, तो हमारा तीसरा इमेज विजिबल है। अब जब कंट्रोलर में आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो इसमें क्या पास होता है, एक्स में पास होता है -1, तो अभी फ्लैग में था 2 और उसमें -1 जोड़ दिए तो अब क्या हो गया, 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब 1 विजिबल हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, 2 था, जैसे ही आपने लेफ्ट क्लिक किया 1 विजिबल हो गया, और अगर आप राइट वाला क्लिक करते हो तो एक्स में पास होता है 1, तो 2+1 हो जाता है 3, तो मतलब अभी 2 था और जैसे ही आपने राइट पे क्लिक किया ये जो थर्ड नंबर वाला है वो हो जाएगा, थर्ड मतलब फोर्थ वाला इमेज, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो ये है लॉजिक। अब यहां पे आपको फ्लैग समझ में आ गया है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से इस वाले फंक्शन को कॉल करवा देते हैं। कॉल तो करवाना ही पड़ेगा ना, अभी तो हमने बस फ्लैग का वैल्यू चेंज किया है,
अब फिर से हमने स्लाइड शो फंक्शन कॉल करा लिया इसमें और फ्लैग पे। तो अब यहां पे क्या होगा कि अब देखना क्या होगा, अभी सेकंड नंबर का जो इमेज है वो है मतलब इमेज नंबर 3, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां पे आता हूं, अब जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो कौन सा विजुअल होगा, इमेज नंबर 4, और यहां पे लिखा आएगा कैप्शन टेक्स्ट 4। देखो क्लिक किया, दो इमेज विजुअल हो गया, ठीक है, कैप्शन टेक्स्ट 4 आ गया। दो इमेज क्यों विजुअल हुआ, क्योंकि पहला वाला तो पहले विजुअल था ही, अभी हमने इस राइट पे क्लिक किया तो दो इमेज विजुअल हो गया। अब एक बार लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो भी तीसरा इमेज विजुअल हो जाना चाहिए। ये देखो तीसरा इमेज विजुअल हो गया हमारे पास, देखो तीन इमेज विजुअल है। अब ये वाला जो क्लिक करते ही सारा विजुअल हो जा रहा है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक इमेज विजुअल हो। तो इसको लिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप यहां पे क्या करो कि ये जब फंक्शन कॉल होता है तो किसी भी चीज को विजिबल करने से पहले बाकी जो पहले से है उसको हाइड कर दो। तो हाइड करने का तरीका क्या होगा कि हम लोगों को पता नहीं है कि कौन सा अभी है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉर लूप लगा देते हैं। तो हम यहां पे लगाएंगे फॉर लूप, और फॉर लूप में हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं लेट एक्स या वाई, ठीक है, वाई ऑफ स्लाइड्स, तो सॉरी स्लाइड्स। तो अब क्या होगा कि इस एरे में जो भी जितने भी इमेजेस हैं वो एक एक करके वाई में पास होगा। अब वाई में पास होगा तो हम लोग यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं वाई डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले डॉट सॉरी डिस्प्ले इक्वल टू नन। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, हाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो आप सारे स्लाइड्स को पहले हाइड कर दो, और जो नंबर हम पास किया गया उसको आप क्या करो विजुअल बना दो, राइट। तो अब देखो अब यहां पे क्या होगा, अब कैप्शन नंबर 3 है। अब अगर मैं लेफ्ट वाला क्लिक करता हूं तो कैप्शन नंबर 2 आना चाहिए और इमेज चेंज होना चाहिए, देखो हो गया। अब मैं फिर से राइट पे क्लिक करता हूं तो यहां पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ये देखो आ गया। तो मतलब लेफ्ट राइट काम कर रहा है, लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम ये आता है कि एक बार और क्लिक करते हैं तो 4 नंबर इमेज आ गया। अब इसके बाद जब क्लिक करेंगे तो ये गायब हो गया, क्यों गायब हुआ, क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है कि इसमें +1 करते जाओ, तो जब थर्ड नंबर पे आ गया था और +1 किया तो अब क्या हो गया, फ्लैग 4, और 4 नंबर का इमेज है ही नहीं, कहां है, देखो। तो दोनों तरफ ये प्रॉब्लम आएगा, अगर आप यहां पे जाकर रिफ्रेश करो और इधर लेफ्ट वाले पे क्लिक करो तो 1 इमेज के बाद वो गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया होगा, वैल्यू -1। अब देखो यहां पे सपोज करो कि अभी थर्ड नंबर ऑफ इमेज आया हुआ था और उसको हमने राइट पे क्लिक किया तो उसमें +1 हो गया, तो अब ये हो गया 4, लेकिन इस एरे में 4 नंबर है कहां, इसमें तो इंडेक्स 3 के बाद बंद हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। और उसी तरीके से अगर आप समझो कि 0 नंबर वाला अभी इमेज विजिबल है और उसमें हमने क्लिक कर देते हैं कि पहले प्रीवियस वाला दिखाओ, तो ये अब -1 इसमें होगा, तो ये तो हो जाएगा वैल्यू -1, -1 नाम का इंडेक्स है ही नहीं इस एरे में, तो हमें हमारे प्रॉब्लम वहां से आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन में पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि अगर जो नंबर पास किया गया है यहां पे वो 3 से ज्यादा बड़ा है तो उसको फिर से रीसेट कर दो 0 पे, और अगर दूसरा लॉजिक ये होगा कि अगर वैल्यू 0 से कम है मतलब माइनस में चला गया -1 तो उसको रीसेट कर दो फिर से 3 पे, ठीक है। अब अच्छा सोचने वाली बात ये है कि हम लोग डायरेक्ट 3 तो यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते 3, क्योंकि अभी HTML में 4 इमेज है तो 3 है यहां पे, अगर HTML में 5 इमेज आ जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एक और जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। तो हम लोग डायरेक्ट कोई नंबर यूज करेंगे तो हमारा HTML के जैसे ही हम लोग HTML चेंज करेंगे हमें यहां पे JS में चेंज करना होगा, तो हमें तो जावास्क्रिप्ट का कोड ऐसा लिखना है कि वहां पे जाके आप जितने स्लाइड लगाना चाहते हो लगाओ, जितने हटाना है हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, अब यूज करेंगे एरे का लेंथ कि एरे में कितना लेंथ है, ठीक है, उसको वो लॉजिक अब हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। तो देखो
अब यहां पे सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे जो हमारा है राइट वाला, मतलब थ्री को फोर कर देने वाला। तो अब वो वाला कैसे करेंगे, देखो अब यहां पे हम लोग चेक करेंगे कि इफ अगर जो नंबर पास किया गया है आपके पास वो स्लाइड डॉट लेंथ, स्लाइड्स डॉट लेंथ, ये हमें क्या बताता है कि एक एरे में कितना एलिमेंट है। तो कितना एलिमेंट है ये हमें देगा, फोर डिजिट देगा हमें ये फोर, ठीक है। अब ये जैसे ही हमें फोर दिया, हमें क्या चाहिए, जो नंबर है वो थ्री से ग्रेटर होते ही हमें उसको रीसेट कर देना है जीरो पे, ठीक है। तो देखो अभी क्या था कि मान लो यहां पे, अब यहां पे हमने फ्लैग कर दिया थ्री, ठीक है, थ्री कर दिया और पास जब यहां पे किया तो ये थ्री को हो गया फोर और फोर फ्लैग में पास हुआ, यहां पे नम में फोर रिसीव हुआ है। अब यहां का वैल्यू हो गया फोर। तो हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि फोर और स्लाइड डॉट लेंथ, स्लाइड डॉट लेंथ हमारे पास कितना है, फोर है। तो इसको हम लोग यहां पे कर सकते हैं कि जब नम इक्वल टू स्लाइड लेंथ हो जाए, ठीक है। यहां पे देखो नंबर हमारे पास अभी पास हुआ है फोर और स्लाइड का लेंथ है फोर, ठीक है। तो जैसे ही हमें ये पता चले कि जितना एलिमेंट है उतने के बराबर जैसे ही नम हो, तो आप क्या करो यहां पे आके रीसेट कर दो फ्लैग को, फिर से ले जाओ जीरो पे, फ्लैग इक्वल टू कर दो जीरो और यहां पे जो नंबर के थ्रू हम लोग कर रहे हैं उसको भी कर दो जीरो, ठीक है। यहां पे लिखो नम इक्वल टू जीरो, तो दोनों को रीसेट कर दो। मतलब जैसे ही थर्ड नंबर वाला इंडेक्स वाला इमेज दिख रहा हो और कोई नेक्स्ट पे क्लिक करे तो उसका वैल्यू फोर हो जाएगा। हम यहां पे आके कंपेयर कर लेंगे कि फोर इक्वल टू स्लाइड का लेंथ, तो क्या करो कि जीरो वाला इमेज दिखाओ, तो यहां पे जीरो वाला इमेज दिखाएगा। अब देखो आप यहां पे देखो अभी क्या हो रहा है, ये फोर्थ नंबर का इमेज दिखा रहा है। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा आप, ये वन दिखाएगा। अब देखो हमारा राइट वाला चीज हो चुका है। अब इस पे आप कितनी बार भी क्लिक करोगे वो फोर के बाद ऑटोमेटिक वन हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 1, ठीक है, काम कर रहा है। लेकिन अभी लेफ्ट वाला काम नहीं करेगा, जैसे ही वन पे जाएंगे उसके बाद -1 होगा, -1 हो जाएगा तो वो दिखना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे तो -1 नाम का कोई इंडेक्स है ही नहीं। तो इसके लिए भी हम लोग एक लॉजिक लिखते हैं, इसमें करते हैं इफ अगर जो नंबर जो है वो जीरो से कम हो जाए, मतलब -1, तो नम इज लेस देन जीरो। अगर क्योंकि जीरो तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है ना, तो जीरो जब रहे तो दिखाओ, लेकिन जीरो से जैसे ही नीचे हो आप क्या करो फ्लैग को सेट कर दो एरे का लेंथ के बराबर। तो एरे का लेंथ कितना है, लेंथ, तो ये पास करेगा हमें फोर, लेकिन यहां पे इंडेक्स फोर है ही नहीं, यहां तो थ्री है। तो मतलब क्या होता है कि जितना भी स्लाइड का लेंथ है उससे -1 असाइन कर दो, ठीक है, तभी तो लास्ट वाला इमेज दिखेगा। और सेम काम यही चीज नम के साथ भी कर दूं, नम, ठीक है, सेव कर दिया। अब यहां पे आओ और देखो अब हम लोग राइट पे जाएं या लेफ्ट पे जाएं काम करेगा, हमारा ब्रेक नहीं होगा। ये देख हमारा लेफ्ट राइट दोनों काम कर रहा है। बस अब हमें क्या करना है कि इस फ्लैग को फिर से हम लोग यहां पे जीरो कर देते हैं, ताकि जब स्टार्ट हो इमेज, जब यहां पे हम लोग रिफ्रेश करें तो पहला वाला इमेज हो कैप्शन टेक्स्ट वन हो। अब देखो ये पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें मेन था यही लॉजिक को समझना, और आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब लॉजिक को नहीं समझे तो एक बार दोबारा देखो और एक एक चीज को गौर करो कि हम लोग क्या पास कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या क्या हो रहा है। ऐसे ही डिबगिंग में भी काम आता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये प्रोजेक्ट, बट ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ में ना आए दोबारा देखो, दोबारा समझ में आया दोबारा देखो और खुद से करो, और जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया ना वैसे ही कर करके एक एक बार आउटपुट देखो। अगर ना समझ में आए तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप क्या करो कि इसको विजिबल करने से पहले, यहां पे विजिबल करने से पहले यहां पे क्या कर सकते हो आप, यहां पे डाल सकते हो कंसोल डॉट लॉग, जहां पे आपको गड़बड़ लग रहा है वहां पे आप पास कर दो कि नम में क्या पास हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो अब यहां पे आके मैं कंसोल डॉट लॉग ओपन करता हूं। अब देखो अब मैं जब अभी जीरो पास हुआ तो हमारे पास वन वाला इमेज है, जैसे ही मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, थ्री होने के बाद फिर से जीरो हो गया। फिर अगर मैं यहां से डिक्रीज कर रहा हूं तो देखो डिक्रीज होता जा रहा है वैल्यू, फिर जीरो के बाद फिर थ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से डिबगिंग होता है, ठीक है। तो जहां पे आपको गड़बड़ लगे कंसोल डॉट लॉग करके
आप वो वैल्यू चेक कर लो कि अभी वैल्यू में क्या पास हो रहा है, ठीक है। तो और एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी बनाना, ठीक है। जैसे मैं आपको बताते जा रहा था, एक एक स्टेप करके बस समझाता जा रहा था, उसी तरीके से आप भी रुको, आउटपुट को देखो, ऑब्जर्व करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आओ। ये नहीं कि मेरा कोड देख के पूरा का पूरा चेप दिया और सोचा कि हाँ बन गया भाई, बन गया, आ गया बनाने, ऐसे नहीं। लॉजिक समझते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नंबर ऑफ लाइंस मैटर नहीं करता है, उस नंबर ऑफ लाइंस में आपने क्या लॉजिक लिखा है वो मैटर करता है, क्या दिमाग लगाया वो मैटर करता है, ठीक है।